हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं पनीर पकौड़ा। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पनीर पकौड़ा बनाने के लिए हमने लिया है पनीर और इसको लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया। अब हम इसको बीच से कट करेंगे और इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करेंगे, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च और इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब हम अपने बारी बारी से पनीर के पीसेस को इसमें डालेंगे और दोनों साइड अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। लगभग 2-3 मिनट में पनीर हमारी बहुत अच्छे से दोनों साइड शैलो फ्राई हो गई है और पनीर को स्टार्टिंग में ही फ्राई करने से इसके ऊपर एक अच्छी सी थिक लेयर आएगी और वो इसको बहुत फ्लफी बनाएगी। अब हम पकौड़ों को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए लिया है हमने 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 पिंच रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गर्म मसाला, 1/4 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर जो कि होती है हमारी काली मिर्च, साथ ही साथ 1 टेबलस्पून अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके इसमें मिक्स कर देंगे, 1/4 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे और अपनी मैरिनेशन को स्पून की हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ हमें डालना है लगभग 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल हमारे पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने में बहुत हेल्प करेगी। बस अब हमारी मैरिनेशन रेडी हो गई। हम बारी बारी से अपने पनीर के पीसेस को मैरिनेशन में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में बहुत अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे और एक एक करके हम अपने सारे पनीर को इसी तरह ब्रेड क्रम्स से रोल करने के बाद एक पैन में मीडियम फ्लेम पर ऑयल डालकर अच्छे से तल लेंगे, यानी फ्राई कर लेंगे। दो मिनट तक हमें इसे दोनों साइड अच्छे से डीप फ्राई करना है और 2 मिनट के बाद आप नोटिस करोगे कि हमारा पनीर पकौड़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो गाइस, थी ना बड़ी क्विक रेसिपी। ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट में आपका पूरा पनीर पकौड़ा बनकर रेडी है। और अब वक्त है पनीर पकौड़े की क्वालिटी टेस्ट का। तो मैं एक फोक की हेल्प से दिखा देता हूँ कि पनीर पकौड़ा कितना क्रंची हुआ है और ये अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो गाइज, ये थी क्विक रेसिपी पनीर पकौड़े की। आप इसे ग्रीन चटनी या टोमेटो केचप के साथ इंजॉय करें एंड आई होप ये रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।